नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। आज चक्रव्यू में बात सीधे सीधे 2024 में सरकार बनाने की और गिराने के षड्यंत्र की है, क्योंकि पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए गठजोड़ कर रहा है और दुश्मन भी दोस्त बन रहे हैं। वैसे सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि 2022 पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस जो देश का मुख्य विपक्ष है, क्या उसके पास कोई ऐसा चेहरा है जिस पर कांग्रेस दांव खेल सकती है? कई बड़े सवाल हैं जिसके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या विपक्ष के द्वारा बनाए इस चक्रव्यूह का बीजेपी के पास तोड़ है या बीजेपी कोई तोड़ निकालती है। दरअसल आज से 19 विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन पूरे 11 दिन का है। इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दल की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी जिसमें 19 दल शामिल हुए थे। उस मीटिंग में यह भी देशव्यापी विरोध की बात तय हुई थी जो कि आज से शुरू हो गया है। इस वर्चुअल मीटिंग में विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। इन दलों के नेताओं ने केंद्र के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों का चार्ट भी जारी किया है। इस मीटिंग के बाद नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम संयुक्त रूप से 20 से 30 सितंबर 2021 तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम 19 विपक्षी दलों के नेता भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अपनी पूरी ताकत से अपनी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए इस अवसर पर उठ खड़े हों। भारत को आज बचाएं ताकि हम इसे बेहतर कल के लिए बदल सके। तो ये तमाम नीतियां हैं जिसको लेकर विपक्षी दल इकट्ठा हुआ है और आज से ही नहीं, ये तो पूरा सिलसिला है वो कई महीनों पहले से ही शुरू हो गया था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आई थी। तभी से ही साठगांठ शुरू हो गई थी और इसी साठगांठ के साथ अब ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से मुख्य विपक्षी दल उभर कर सामने आए। लेकिन सवाल ये सामने आता है कि आखिर कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो वाकई केंद्र सरकार को टक्कर दे सकता है या नरेंद्र मोदी के साथ टक्कर ले सकता है। हालांकि कुछ सर्वे किए गए हैं, सर्वे के आधार पर यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से ज्यादा ममता बनर्जी को पसंद किया जा रहा है मुख्य चेहरे के रूप में। तो ऐसे में जो विपक्ष आज इकट्ठा हुआ है, 11 दिनों का ये पूरा जो अल्टीमेटम तैयार किया है विपक्ष ने और 11 दिन तक जो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी और 11 सूत्रीय जो मांगे हैं, ये कब तक बना रहेगा? क्योंकि जब बात आएगी कि देश में मुख्य विपक्ष कौन है तो कांग्रेस सबसे पहले अपना हाथ उठाएगी और कांग्रेस ने 70 साल देश पर राज किया है, तो ऐसे में कांग्रेस का ये सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन ममता बनर्जी जो कि सर्वे में सबसे टॉप पर दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक शेरनी की तरह दहाड़ा था, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी भी एक मुख्य विपक्षी चेहरा उभर कर सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही लगातार सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और पेगासस का मुद्दा जो है वो जिन्न की तरह सामने आ गया था, लेकिन अचानक से वो मुद्दा गायब हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई लगातार हो रही है, लेकिन सुनवाई की तेजी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसके अलावा 3 नए कृषि कानून जिसका 1 साल पूरा भी हाल ही में हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर, जिस दिन शिरोमणि अकाली दल ने इसे काला दिवस मनाया, आम आदमी पार्टी ने काला दिवस मनाया और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो किसी ना किसी बहाने इस पूरे दिन पर निशाना साधती रही। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, खाद्य पदार्थों पर लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की मार जो आम जनता झेल रही है, इसके अलावा जो तमाम निजीकरण हो रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। मुद्रास्फीति ये भी एक तमाम मुद्दा है जिसको लेकर उठाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर विपक्ष के मन में क्या चल रहा है और किस तरह की रणनीति है जो 2024 में भी रंग दिखाएगी। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ देर में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विशेषज्ञ है, आपका बहुत स्वागत है। नेहा शालिनी दुआ प्रवक्ता हैं बीजेपी की,
हम्माम वहीद प्रवक्ता है कांग्रेस के और सबत मलिक किसान नेता है। ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को मुख्य विपक्षी दल बताती है, क्योंकि 70 सालों में राज भी किया है। जैसा बीजेपी लगातार निशाना भी साधती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने आखिर क्या किया है, जनता के साथ धोखा किया है। तो कांग्रेस से ही मैं सवाल करना चाहूंगी कि क्या रणनीति है ये? आपके पास कौन सा ऐसा मुख्य चेहरा है जो 2024 की तर्ज पर आप सामने लेकर आएंगे? हम्माम वहीद जी, तो अभी हम गेस्टों पर जाएंगे, फिलहाल को टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से मेरी आवाज मेरे मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जरा इस मुद्दे को हम समझा देते हैं। ये मांगे क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करना, पेगासस हैकिंग विवाद की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करना, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराना, जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना, राफेल सौदे की उच्च स्तरीय जांच करने, तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। और इसी तर्ज पर 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना रहेगा लोकसभा चुनाव में, और इसी वजह से अभी से सभी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। वक्त काफी है, बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। विपक्ष कितना जमीनी स्तर पर काम करेगा ये देखना होगा, और नरेंद्र मोदी सरकार ने कितनी सारी योजनाएं जो लेकर आए हैं उसका तोड़ विपक्ष क्या निकालता है ये हमें देखना होगा। दरअसल इसके साथ ही इन सभी नेताओं ने संसद के मॉनसून सत्र को अचानक समाप्त करने के लिए भी केंद्र की कड़ी आलोचना की। इन सभी का कहना है कि केंद्र पेगासस मुद्दे, नए कृषि कानूनों, मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और कोरोना वायरस बीमारी के कथित प्रबंधन पर जानबूझकर बातचीत नहीं करना चाहता है। इस तरह के आरोप लगातार केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान को तत्काल तेज करने की भी मांग की है। यही नहीं, विरोधी दलों ने 15 अगस्त पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की भी कड़ी आलोचना कर दी है। किसान नेता सबित मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए जब तक टेक्निकल इश्यू ठीक हो, उससे पहले सबित मलिक जी का मैं यहां पर जवाब ले लेती हूं। सबित जी, तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार केंद्र सरकार को आप भी घेर रहे हैं और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है। ये जो 11 सूत्रीय मांगे हैं जो कि 11 दिनों तक चलने वाली है, जो प्रदर्शन चलने वाला है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है नया कृषि कानून। तो आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि 2024 में जो किसान है वो तख्ता पलट कर सकते हैं? तो 2024 की तैयारियां 2021 से ही शुरू कर दी गई है और काफी महीनों से ये षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अभी अभिमन्यु बने हुए हैं, क्या वो ये पूरा चक्र भेज सकते हैं, इसको लेकर तमाम सवाल सामने खड़े होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर लेने वाला ऐसा कोई चेहरा विपक्ष के पास है, ये सबसे बड़ा सवाल लगातार सामने आ रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज का कि आखिर ये जो 11 सूत्रीय मांगे हैं और 11 दिन तक अपोजिशन जो लगातार सवाल उठाता है, जो प्रदर्शन करता है, आखिर वो किस तर्ज पर होगा? विपक्ष क्या चाहता है? क्या एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना इनका मकसद है? लेकिन अगर ऐसा है तो विपक्ष लगातार जो कोशिश कर रहा है उसका तोड़ बीजेपी के पास क्या है? हालांकि हमने देखा है कि इतने सालों में विपक्ष लगातार एक एक करके मोदी सरकार को घेरता आया है, लेकिन मोदी सरकार के पास हर एक का जवाब है और हर किसी षड्यंत्र का तोड़ है। लेकिन ये तोड़ इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर जो विपक्ष इकट्ठा होगा, तो इसका तोड़ क्या बीजेपी के पास होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलें हैं जनता के सामने वो भी बहुत ज्यादा हैं, जनता की समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार जो सरकार से नाराजगी है जनता की वो भी साफ तौर पर नजर आती है, और इसकी बानगी 2022 में भी दिखाई दे सकती है। और जिस तरह से लगातार सर्वे किया जा रहा है और जमीनी स्तर का जो हालात है वो जानने की कोशिश की जा रही है, उससे ये दिखता है कि मोदी सरकार से नाराजगी जो है वो लोगों में है। जिस तरह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो गड़बड़ा गई है, इससे नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसके अलावा कोरोना काल में जो प्रबंधन ठीक नहीं थे उसको लेकर भी नाराजगी नजर आती है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, राजधानी दिल्ली, यहां पर लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं,
गुजर बसर करने, रोजगार के सिलसिले में वहां पर जैसे तैसे करके लोग कमाई करते हैं और अपना दुपहिया वाहन सबसे पहले खरीदते हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगे, 101 से ज्यादा की कीमत है पेट्रोल की, तो वो आम इंसान कैसे अपने वाहन में पेट्रोल भरवा लेगा और कैसे फिर ये तमाम चीजें हो पाएंगी। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जो लगातार घेरे जा रहे हैं, चाहे वो किसानों को मुद्दा हो। देखिए, किसानों का जो मुद्दा है वो किसान लगातार आंदोलन करके जता रहे हैं नाराजगी, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि किसान अन्नदाता है और सरकार जो कर रही है किसानों के साथ गलत कर रही है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम, उज्ज्वला योजना को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी योजना आई थी, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी, लोगों को बहुत लाभ मिला, महिलाओं को बहुत लाभ मिला। जिस तरह से गांव देहात में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, लकड़ियां लेकर आती थी जंगलों से, और जिसकी वजह से धुआं उठता था, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता था, इससे निजात दिलाई थी नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत। लेकिन अब जब रसोई गैस के सिलेंडर के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे नाराजगी महिलाओं की दिखाई दे रही है। इसके अलावा निजीकरण जो लगातार हो रहा है तमाम सेक्टर्स का, उसकी नाराजगी भी देखी जा सकती है लोगों में। तो मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल सभी जी से करूंगी। सभी जी हमारे साथ बने हुए किसान नेता हैं। सभी जी, विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के मुद्दों को उठाकर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में फटकनी दे सकता है, और आखिर इसका सहारा क्यों लिया जा रहा है? सभी जी, मेरी आवाज मिल रही है? तो 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन लगातार शुरू हो चुका है। 11 दिनों तक विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, और ऐसा पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी तमाम बार ऐसा हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले की आप देखेंगे तस्वीरें, तो ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। सभी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सभी जी, किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन आपके मुद्दों को बनाने की कोशिश भरपूर हो रही है, किसानों को क्या फायदा हो सकता है अगर विपक्ष इकट्ठा होता है? नहीं, किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और ये सरकार मौका दे रही है विपक्ष को। हम लोग तो अपनी मंडी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, और उस देश का अन्न बचाने के लिए उद्योगपतियों से इसलिए अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब सरकार अगर हमारी बात मान ले, हम अपने घर चले जाए, तो विपक्ष को कहां मौका मिलेगा? विपक्ष को अगर मौका मिल रहा है एकजुट होने का या सरकार पर हमला करने का, तो सरकार की कमी है। हम लोग तो अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चला रहे हैं, और हमारी जो भी मांगे वो सरकार से, विपक्ष से हमारा क्या लेना देना है? बिल्कुल सही कहा आपने, समित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन विपक्ष को आपसे बहुत लेना देना है। विपक्ष तो बहुत लेन देन की कोशिश कर रहा है, और ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन बात अगर 2024 की हो तो किसान क्या सोच रहा है 2024 के लिए? देखो, किसान जब भी अपना कोई आंदोलन करता है, अपनी मांगे मांगता है, तो जो भी विपक्ष में होता है वो हमारा हमदर्द हो जाता है, और जब सत्ता में आते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जब हम पहले धरना देते थे, हमारे पास आते थे, हमारे मंचों से भाषण देते थे, तो ज्यादा खफा आप किससे हैं? आप भाजपा से ज्यादा खफा हैं या कांग्रेस के शासन से ज्यादा खफा हैं? देखो, कांग्रेस से क्या लेना देना, सत्ता में अब भाजपा है, वादे उसने हमसे किए थे, तो जो भी हमारी नाराजगी है वो सरकार से है, जो विपक्ष में है उससे हमारा क्या लेना देना? नहीं तो विपक्ष, ये जो नाराजगी है तो पहले भी हुआ करती थी ना, तभी तो आपने सत्ता पलट किया, और देश का अन्नदाता बड़े पैमाने पर है, सत्ता पलटने में पूरी तरह से कामयाब हो सकता है। देखो, लोकतंत्र में हमारे पास दो हथियार हैं। बिल्कुल, एक हथियार सबसे पहले होता है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके अपनी बात मनवाने का। सही बात, अगर उससे हमारी बात मानी जाए, ठीक है, पौने 10 महीने हो गए सरकार सुन नहीं रही, हठधर्मिता कर रही है। दूसरा रास्ता हमारे पास बचता है वोट की ताकत का।
तो जब वोट का मौका आएगा तो उसमें राकेश टिकैत जी कहते हैं कि वोट की चोट अब जो है सरकार को मिलेगी। क्या लग रहा है 2024 की बात करते हैं वो? नहीं, अभी तो 22 की बात चल रही है, 2024 तो अभी बहुत दूर है, जब तक तो हमको लगता है सरकार मानी जाएगी। विपक्ष की तैयारियां तो अभी से शुरू हो गई ना, इसलिए सवाल उठ रहा है सभी जी। लेकिन अभी यह है कि जो आने वाले चुनाव है, अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हम भारत की जनता से अपील लगातार करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दे। तो आम जनता से भी अपील रहेगी? बिल्कुल रहेगी। किसानों की तरह आम जनता से भी अपील रहेगी। हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम लोगों ने ऐलान किया है जिस राज्य में जहाँ भी चुनाव होगा ये कहा जाएगा कि बीजेपी को वोट ना दो। इन्होंने हमसे झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं कर रहे। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, नहीं किया। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का पिछले 4 वर्ष से 1 रुपया नहीं बढ़ा। बिजली के बिल कई गुना ज्यादा महंगे हो गए। आवारा पशुओं की वजह से सारी फसलें नष्ट हो रही हैं। इन्होंने कहा था 2022 में आपकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन खर्चे हमारे दुगने हो गए, आय का कहीं संसाधन नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि बीजेपी का कोई भी आदमी बताए कि कैसे हमारी आय 1 जनवरी 2022 चर्चा में आपका जो चैलेंज है वो शालिनी दुआ जी एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता है। शालिनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आपकी। शालिनी जी, किसान नेता बेहद नाराज हैं, किसान नाराज हैं। तख्ता पलट की बात करते हैं 2022 में, एक भी वोट की चोट देंगे? 2024 की तैयारी विपक्ष कर रहा है, कैसे बचेंगे? देखिए, इस वक्त किसान नेताओं कुछ किसान हैं जो बिल्कुल अड़ियत रवैये पे उतरे हुए हैं, जो नहीं सुनना चाहते सरकार की, जबकि 11 बार सरकार उनसे अच्छी तरह से वार्तालाप कर चुकी है। उनकी 11 बार मांगे मंजूर की गई। सबसे पहले कहा गया जी हमारी जमीन कोई कॉर्पोरेट वाला नहीं हड़पेगा, तो उसकी उनकी वो क्लॉज माना गया और लगाया गया कि कहीं से भी कोई भी कॉर्पोरेट वाला आपकी जमीन नहीं। फिर इन्होंने कहा जी मंडियां हट जाएंगी, हमें मंडियों का वो डर है, मंडियां हट जाएंगी हमारा काम हो जाएगा, जबकि किसानों का मंडियों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सिर्फ अपनी फसल बेचने के लिए उन्हें मंडियां चाहिए होती हैं। लेकिन आज वो मंडियों के इतने हिमायती हैं, पहले मंडियों की बुराई करते थे, आज कहते हैं कि मंडियां तो होनी चाहिए, आज कहते हैं कि मंडियां तो होनी चाहिए। तो भी सरकार ने उनका ये क्लॉज भी माना कि चलिए ठीक है मंडियां भी होंगी। फिर कहा गया कि भी हमारे को सिविल कोर्ट में जाने का हक दिया जाए, सरकार ने कहा चलो ठीक है ये भी मान लिया। चौथी बात कही गई जी हम पराली तो जलाएंगे, हमें जेल नहीं होनी चाहिए, सरकार ने कहा चलो ये भी मान लेते हैं। आप बताइए सरकार ने कौन सी इनकी बात नहीं मानी, लेकिन ये अड़ियल रवैया है कि नहीं। चलिए ठीक है, आपसे आपसे शालिनी जी, सीधा शालिनी जी जो है इनको रद्द करो। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी बात होती है रद्द नहीं होती। ये किसानों को समझना चाहिए कि किसान जो है वो भी शालिनी जी आप मुझे बता दीजिए, समझ रहे हैं आप, मुझे ये बताइए कि जो सारे फैसले पे एक्सपेक्टेशन आई है सरकार की वो क्यों आई है? क्योंकि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली का रास्ता 2022 का चुनाव से ही पहुंचेगा। कैसे दुगनी करोगे ये भी बता देना, आए दुगनी करने का फार्मूला भी बता देना। ऐसा कोई टैक्स नहीं है, वो किसान जो है वो नेता बने हुए कुछ किसान आके टीवी पर सिर्फ डिबेट करना चाहते हैं, बैठ के सुलझाना नहीं चाहते, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आज असली में किसान है जी, शाम जी का बड़ा आरोप है आप पे, अपनी खेती कर और कमा रहा है। और ठीक है अगर जिसको जो करना है, हमने तो लोकतांत्रिक देश है, हमने सबको आजादी दे रही है। 2022 का है शालिनी जी, 2022 का जो हम कांग्रेस थोड़ा ना, जो 1984 में आते इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, हम कोई कांग्रेस थोड़ा ना जो इमरजेंसी के ऊपर लगा के इनको जेलों में बंद कर दें। हमने कहा करिए विरोध, जितना विरोध करिए, ठीक है सभी जी आपके पास आऊंगी, सभी जी आपके पास आऊंगी। शालिनी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। शालिनी जी मेरे पास समय की कमी है, मैं जल्दी जल्दी कमेंट आप लोगों से लूंगी। शालिनी जी आपके पास लौटूंगी। हमाम वहीद भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमाम जी, जो अभी शालिनी दुआ जी ने कहा है, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे और उस पे आप जवाब दें? उससे पहले एक और मेरा सवाल ये है कि 2024 की तैयारी 2021 में की जा रही है, वो भी पूरे विपक्षी दल को एकजुट करके। कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? क्या राहुल गांधी होंगे? जी, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। अभी मैं शालिनी जी को सुन रहा था, इस तरीके से वो समझौते कि 11 राउंड टेबल बात हुई लेकिन समाधान नहीं निकला, तो ये किसकी विफलता है? प्रधानमंत्री जी का कहते हैं कि 1 कॉल अवे, लेकिन किसान बेचारा इंतजार कर रहा है 1 फोन का, लेकिन 1 फोन आया नहीं।
इनके मंत्री से लेके विधायक ने किसानों के लिए अपशब्द बोला है, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, जिस तरीके का इन्होंने घेराबंदी किया, जिस तरीके से किसानों के राह में कांटे बिछा, इस तरीके से तो भारत और पाकिस्तान की सरहद पे इस तरीके की सुरक्षा नहीं होती है। ये किसके नाम पे तीनों काले कानून लाए गए? ना इस देश के अपोजिशन ने मांग की थी, ना इस देश के किसी किसान यूनियन ने मांग की थी, ना इस देश के किसान, यहाँ तक आरएसएस में जो किसान संगठन है, किसान यूनियन, उसने भी मोदी जी से तीन काले कानून बनाने की मांग नहीं की थी। ये मांग दरअसल अडानी और अंबानी, इसीलिए हरियाणा में पहले ही स्टोर बन गया था, ये उनकी मांग पे है। हमाम जी, आप मुझे बताइए ना कि 2024 की तैयारी 2021 से की जा रही है, 2022 पर भी फर्क पड़ेगा, 2022 में कांग्रेस कहाँ है यूपी में, और 2024 में कांग्रेस तमाम दलों के बलबूते पे आगे नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना चाहती है। एक षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है, एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, हमारे प्रोग्राम का नाम भी चक्रव्यूह है, तो ऐसे में आप ये बताइए कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाएगा, और इस चक्रव्यूह का तोड़ क्या बीजेपी के पास नहीं है? विपक्ष का हर तोड़ तो बीजेपी के पास है, ऐसा कौन सा प्लान तैयार है? जी, कांग्रेस पार्टी जन मुद्दों को लेके हमेशा राजनीति की है। हम गांव, गरीब, किसान, नौजवान की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों के नाम पे ये सरकार आई, लेकिन देश का हर 55 यूनिट में देश में एक युवा आत्महत्या कर रहा है। अगर यूपी का ये हाल है कि अगर वैकेंसी आती है तो उसपे एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो जाने नाम नहीं होती है। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने आपने युवा आपने चले ठीक है, मैडम सुन लीजिए, ठीक है ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, सब पार्टी का भाई जी मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं एक कमेंट ही ले पाऊंगी भाई जी, मैं एक कमेंट ही ले पाऊंगी। एक निरंजन पोदार जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपने तमाम चीजें सुनी है, आरोप प्रत्यारोप अब भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सटीक बयान जो है वो सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी ये कहती है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम किसानों के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कहती है कि हम राष्ट्रहित में लगातार काम करते हैं और कांग्रेस ने किया है। किसान नेता अपने मुद्दे उठा रहे हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, वोट की चोट हम दिखाएंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो तैयारी है विपक्षी दलों की, 11 सूत्रें मांगे, 11 दिन तक प्रदर्शन विपक्ष का, 19 विपक्षी दल, लेकिन मुख्य चेहरा कोई नहीं? देखिए काजोल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो किसान ये आंदोलन है ये अब सर्वविदित है, ये किसान आंदोलन की दिशा में किस दिशा में जा रहा है, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व निश्चित रूप से अब ये दिखाई देने लग गया, ये कहीं ना कहीं को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। अदरवाइज काजोल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों की बहुत समस्याएं हैं। संबित जी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत मैं इनका सम्मान करता हूँ, किसान नेता हैं। मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि आम एक आम किसान की इतनी समस्याएं हैं, और जो सब बहुत बड़े किसान नेता हुए हमारे देश के अंदर, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने उनके भी आंदोलन हमने देखे हैं, उनके आंदोलन का क्या पद्धति रही है कि भैया हमने आंदोलन किया 8 दिन 10 दिन 15 दिन, सरकार जैसे ही नरम हुए हमें जो मिला हम आज लेकर के चलते हैं, 15-6 महीने बाद में, 1 साल बाद में आगे की लड़ाई दोबारा से शुरू करेंगे। और आज क्या हो रहा है, आज ये संबित जी कह रहे हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, ये नहीं हुआ, गन्ने की पेमेंट नहीं, निश्चित रूप से संबित जी को सरकार से इन चीजों के लिए लड़ाई करनी चाहिए, जबकि संबित जी लड़ाई किस चीज की करें? आखिरी छोटा सा सवाल है, आखिरी छोटा सा सवाल कि आप ये बताइए कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, 19 दल जो हैं एक साथ हैं, ममता बनर्जी आती हैं कुछ दिनों पहले दिल्ली में और यहाँ पर वो 5 दिवसीय रुकती हैं, उनकी बैठक भी होती है तमाम नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करती हैं, लेकिन सर्वे में पता चलता है कि राहुल गांधी से ज्यादा जो चर्चे हैं वो ममता बनर्जी के हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर 2024 के। आपकी क्या राय है, छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए ऐसा काजोल जी, निश्चित रूप से विपक्ष का अपना धर्म है और उसका अपना कर्तव्य है कि वो सत्ता प्राप्ति की दौड़ में लगे, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक विपक्ष सार्थक राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि नकारात्मक राजनीति होती आई है, चाहे वो चीन के मामले में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में, चाहे अन्य किसी कोरोना के मामले में, हर मामले में विपक्ष ने केवल और केवल नकारात्मक राजनीति की है, जिसका आगे जाकर बड़ा फूट गया और विपक्ष हम है वहां, हम थे जहां की स्थिति में आ गया। आज विपक्ष की बात करेंगे, ये गरीब और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम गरीब किसान मजदूर
वंशिप की इनकी बातें करते हैं भैया, केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। पिछले 70 साल का रिकॉर्ड इस चीज का ठीक है कि आज से पहले कितने किसानों ने आत्महत्या करी है, ठीक है, आज से पहले जो बेरोजगारी की स्थिति है, ठीक है ठीक है। हम वहाँ वही जी, आप ये बताइए कि क्या प्लानिंग है आपकी, क्या राहुल गांधी अगला चेहरा होंगे पीएम पद के लिए? बिल्कुल, 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात याद रखूंगी और इस डिबेट का रिकॉर्ड भी रखूंगी। ठीक है शालिनी जी, आप ये बताइए कि ये जो चक्रव्यूह विपक्षी द्वारा रचा जा रहा है, इसको भेदने के लिए कौन सा अभिमन्यु तैयार है आपके पास? हमारे पास इनका चक्रव्यूह, खुद ही इसमें फंसेंगे जो हमें फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले तो ये बता दें, इनके यहाँ जो राजस्थान और पंजाब है, इसमें कितने किसानों ने आज तक आत्महत्या की है, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, केरला में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो जब यूपी की बात होगी तो आप राजस्थान की बात करेंगे। पाकिस्तान की बात नहीं करते, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है आप, वो आज पाकिस्तान के साथ की कोई डिबेट बगैर पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रेमी आपके प्रधानमंत्री है, हमारे किसान भाई हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, ये पाकिस्तानियों का जो खेल है वो क्यों नहीं समझ पा रहे, इस बात का बहुत दुख होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री जी बताएंगे जो बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान, आप जनों के लोगों के हाथों में ना आए, नहीं तो देश के टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है। ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान की बात में कर लेंगे, पाकिस्तान की बात बाद में कर लेंगे, पाकिस्तान की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन इससे ये जरूर समझ में आता है कि सभी पूरी तरह से तैयार हैं, पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। किसान जो हैं वो लगातार अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जो राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़े थे निरंजन, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष का काम है लेकिन सरकार को पूरी तैयारी रखनी है। तो फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विपक्ष की तैयारी 2024 और 2022, क्योंकि 2022 से ही रास्ता 2024 का निकलेगा, तो ऐसे में अभी से ही तैयारी विपक्ष ने कर ली है। 19 विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं तमाम मुद्दों को लेकर, तो ऐसे में अब ये जानने की कोशिश लगातार हम करेंगे आगे भी कि क्या ये विपक्ष इतना मजबूत हो पाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सीधे टक्कर दे पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।